अस्सलाम वालेकुम, लव बर्ड वैली की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि क्या लव बर्ड से गर्मियों के सीज़न में ब्रीड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखें, वैसे तो अगर आप किसी गर्म जगह पर रहते हैं, जो आपका इलाका जो है वहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है, जिस तरह लाहौर है, लाहौर में जून जुलाई और मई में, बल्कि उससे बाद अगस्त में भी काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो असूलन तो ब्रीड नहीं लेनी चाहिए इस मौसम में। अगर आप कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिस तरह कुछ लोगों ने एसी लगाया होता है, शेड बनाया हुआ है, उसके अंदर कूलर लगाया हुआ है, उसका टेम्परेचर जो है वो उसको लो कर देते हैं, तो फिर तो ब्रीड लेने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया गर्मी का, तो फिर तो ब्रीड नहीं लेनी चाहिए इस गर्म सीज़न में, क्योंकि एक तो गर्मी होती है, दूसरा जो है बर्ड के जो अंडे होते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी एक्सपायर हो सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मई के महीने में फिशर्स की मैंने ब्रीड ली थी, तो बच्चे जो थे वो मटकियों के अंदर ही एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि जहां मैंने पहले केज लगाया हुआ था वहां पे बहुत धूप पड़ती थी, इनके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ती थी, तो उसकी वजह से अंदर गर्मी इतनी हो जाती थी कि वो इनकी बर्दाश्त से बाहर होती थी। हालांकि मैंने कपड़ा भी लगाया होता था सामने फ्रंट पे, लेकिन जो पिंजरे के ऊपर जो धूप पड़ती थी ना, उसकी वजह से जो अंदर का टेम्परेचर था पिंजरे के अंदर का, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, और उसकी वजह से जो थे बच्चे वगैरह एक्सपायर हो गए थे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि मई जून जुलाई में ये 3 महीने कम से कम जो है आप इनकी ब्रीड ना लें। अगर तो आपने बर्ड्स पहले से लगाए हुए हैं और वो 2-3 क्लच निकाल चुके हैं साल में, तो बेहतर होता है कि उनको रेस्ट दे दिया जाए साल में 2-3 महीने, ताकि जो एनर्जी उनकी ब्रीडिंग पे खर्च हुई है वो उसको वो रीगेन कर लें। बाकी मैंने ये इसमें मटकियाँ क्यों लगाई हुई हैं, आजकल यहाँ भी काफ़ी गर्मी है, मई का महीना है लाहौर में, तो मैंने इसलिए मटकियाँ लगाई हुई हैं क्योंकि मैं अभी ये नए बर्ड्स लेके आया हूँ। अभी मेरा ऐसा कोई इनसे ब्रीड लेने का कोई ऐसा नहीं है, प्लान नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है क्योंकि ये जब मैं लेके आया था तो मैंने देखा ये काफ़ी स्ट्रेस में थे, काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि नई जगह थी, मार्केट से मैं लेके आया हूँ, तो पहले ये किसी घर में थे, उसके बाद ये मार्केट आए हैं, तो मार्केट में परिंदा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसके बाद ये इधर आए हैं, तो नई जगह चेंज हुई है, आप पता नहीं पहले ये डाइट भी क्या ले रहे थे, डाइट भी चेंज हुई है, उससे भी स्ट्रेस जो है वो बढ़ा है। तो मैंने इसलिए इसमें मटकियाँ लगाई हैं ताकि इनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो और इनको जंगल का माहौल जो है, जिस तरह ब्रीडिंग में इनको मिलता है, उस तरह का माहौल मिले, ताकि इनमें स्ट्रेस जो है वो कम हो। तो अभी ये ब्रीड तो नहीं करेंगे, ये अभी तकरीबन 1-2 महीने तो वैसे भी ब्रीड नहीं करेंगे, एडजस्ट होने में कुछ टाइम लेते हैं जब बर्ड्स आप नए किसी भी जगह पे लगाओ। तो मटकियाँ मैंने लगाई हैं, तो मैंने अब देखा है कि ये बहुत खुश हो गए हैं मटकियों से, अब जोड़े भी इसमें लग रहे हैं, अपनी मटकियाँ उन्होंने मल ली हैं, एक दूसरे को मैंने देखा था, कल फीड भी करवा रहे थे, तो अब ये अपने कामों में लग गए हैं, मटकियों में आना जाना शुरू कर दिया इन्होंने, तो अब ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम जो है इनकी तकरीबन ख़त्म हो गई है, इसका ये मुझे मटकियाँ लगाने का फ़ायदा हुआ है। वैसे भी 2 महीने हैं अभी ब्रीड में, तो उतनी देर में तो ये कि एडजस्ट हो जाएंगे। मटकियाँ अगर मैं ना लगाता तो इन्होंने काफ़ी परेशान रहना था, स्ट्रेस में रहना था, ये आमतौर पे प्रॉब्लम्स इनको हो जाती हैं, सूख जाते हैं लव बर्ड्स, ये 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं, या ये सूख के बीमार हो जाते हैं, या फिर इनको आइज इन्फेक्शन हो जाती है, इसकी एक बड़ी वजह स्ट्रेस भी होती है। स्ट्रेस में जब बर्ड होता है तो कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई बीमारी उसको आ जाती है। अगर परिंदा जो खुश होता है वो स्ट्रेस में नहीं होता, तो ये वायरस वगैरह बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी जो है वो बर्दाश्त कर लेता है,
तो मैंने तो इसलिए मटकियाँ लगाई हैं ताकि इनका स्ट्रेस कम हो, इनको कुछ माहौल मिले ऐसा कि जहाँ पे ये खौफजदा ना रहें। लव बर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा डरपोक जानवर है, इसको ऐसा माहौल ज़रूर देना चाहिए कि जिसमें ये खुश रहे, और ये खुश जहाँ रहता है वहाँ ब्रीड भी बहुत अच्छी करता है। तो आप लोग अगर तो आपने पहले से फिशर्स लव बर्ड या दूसरे रखे हुए हैं और ब्रीड कर रहे हैं आपके, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि गर्मियों में आप 2-3 महीने इनको रेस्ट दें ताकि इनका जो ब्रीडिंग से जो स्ट्रेस इनको पड़ा है तो वो कम हो। दूसरा, अगर नए बर्ड्स आप लाए हैं या आपने कोई नया नए केज में आपने उनको शिफ्ट किया है तो फिर मटकियाँ लगा देनी चाहिए ताकि वो उसमें सेटल जल्दी हो जाए। जहाँ तक ब्रीड का ताल्लुक है, अगर ये ब्रीड कर भी जाएँ गर्मियों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर खुदा ना खास्ता कोई मादी एक्सपायर भी हो जाती है, वैसे तो उम्मीद है नहीं होगी, तो अगर बच्चे निकाल ले तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो वैसे भी परिंदों को पता होता है जब वो ज़्यादा गर्मी होती है तो वो अंडों पे नहीं बैठती, मादी बाहर आके बैठ जाती है, रेस्ट कर लेती है, रात को ज़्यादा बैठ जाती है। अंडे भी जो हैं वो उसे इतना ज़्यादा मादी के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गर्मी वैसे ही काफ़ी होती है, तो बच्चा ईज़िली हैच हो जाता है। जो पट्ठे वगैरह हैं उनमें भी जो है आपको लगा देना चाहिए मटकी, ताकि पट्ठे भी हैं जो उनमें भी स्ट्रेस जो है कम हो, खुश रहें। मैंने मेरे पट्ठे भी लाया हूँ दूसरे केज में, मैंने वो रखे थे तो उसमें भी मैंने मटकियाँ लगा दी हैं, वो भी खुश हो गए हैं, उन्होंने भी पैर लगा लिए हैं, मटकियों में जाने लग गए हैं और खुराक वगैरह भी ठीक खा रहे हैं। तो ये है कि आप लोग जो है देखें कि आपने ब्रीड जो है लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। मेरे पास तो गर्मियों में भी ब्रीड कर रहे थे, पहले मैंने जिस जगह रखे हुए थे जिसके पहले घर में, वहाँ पे कुछ ऐसा जगह ऐसी थी जहाँ पे धूप वगैरह नहीं थी, गर्मियों में भी मौसम जो था वो ठंडा था, ऊपर छत थी, लेंटर डला हुआ था, तो गर्मियों में भी ब्रीड कर रहे थे, ठीक ब्रीड कर रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बर्ड एक्सपायर नहीं था हुआ। तो बात ये होती है कि टेम्परेचर मेंटेन करने की बात होती है, गर्मियों में भी अगर आप 30 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं तो फिर तो आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, 35-40-45 हो गया, तो इस मौसम में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बर्ड खाना भी कम खा रहा होता है, ज़्यादातर बैठा ही रहता है अपनी जगह पर, ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर रहा होता, उतनी गर्मी में फिर बच्चों को फीड कराना भी मुश्किल होता है। तो ये आप अपना देखें कि अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो करें, क्राइम ब्रीड बिल्कुल कराएं। लोगों ने एसी लगाए हुए हैं उनके शेड के अंदर, कूलर लगाए हुए हैं, तो उन्हें तो ब्रीड करवानी चाहिए और करवा भी रहे हैं लोग, और अच्छी 2-3-4 महीने में 1-2 क्लच तो निकाल ही लेते हैं वो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और कमेंट करना ना भूलिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।